Hello, my dear student. Today we will do chapter number 14, and in this chapter we will learn data handling. And first of all, we will talk about data. What is data? It's just a information which is collected in any numerical figures. कुछ भी numbers में अगर हम कोई collect कर लेते हैं information, उसे हम बोलते हैं data. और डेटा को अगर हम टेबल में रिप्रेजेंट कर दें, इजीएस्ट वे में हम उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख दें, तो उसे हम बोलेंगे डेटा इन टेबुलर फॉर्म. ओके, तो इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर जो एक वीक में बनाए गए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. तो यू कैन सी ऑन मंडे 85 बैट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए गए हैं. ट्यूसडे को 70, वेंसडे को 60, थर्सडे को 80, फ्राइडे को 70 एंड सैटरडे को 90. तो बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने एक टेबल में बना के डाल दी है. इस इंफॉर्मेशन से हमने इनको ऐसे ऑर्गेनाइज कर लिया है जिसकी हेल्प से हम इसे रीड करेंगे और इसको जो अंडरस्टैंडिंग करने में हमें हमारा काम में लेने में हमें हेल्प मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये पता करना होगा कि कौन से दिन जो नंबर ऑफ बैट्स है वो कम मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, तो हम इनमें से देख के पता लगा सकते हैं. यहाँ पे 60 बैट्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे दिख रहे हैं और ये वो दिन था वेंसडे का. तो हम यहाँ पे बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 60 के दिन मतलब वेंसडे के दिन मिनिमम बैट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं. एंड अगर हमें ये बताना हो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बताना हो, तो वो सैटरडे के दिन मैन्युफैक्चर हुए हैं. और अगर हमें ये बताना हो कि कौन सा नंबर इनमें से रिपीट हुआ है, कौन से दिन सेम नंबर ऑफ बैट्स हुए हैं, तो वो भी देखो बड़े आराम से हम बता सकते हैं, ट्यूजडे एंड फ्राइडे. तो देखो कितने आसानी से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया इस टेबल की हेल्प से. जब हमने ये सारा डेटा जो था हमारे पास, उसे हमने टेबल में लिखा और टेबल में लिखते सारे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी हमसे पूछे गए, हम बड़े आराम से आगे डिलीवर कर सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को. तो हम यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम और टोटल बैट्स बता सकते हैं इन सभी में. इसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. ओके, तो इसके बाद हम सीखते हैं डाटा में कि और क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास डेटा की. अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के बाद, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट करके देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हम आगे चलते हैं इसके बाद. अब देखो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे मीन्स 10/12/2017 की अगर बात करते हैं, तो हमने कुछ सिटीज ली हैं. इन सिटीज का टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर था उस दिन का और मिनिमम टेम्परेचर जो था, दोनों हमने नोट किए हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ सिटीज हैं और इन सिटीज में हमने इनको लिखा है. इसके बाद हम इनमें से, अगर हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इन सब में से कौन सी सिटी का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा है, तो बच्चों हमें मैक्सिमम टेम्परेचर पे आना है. देखो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर देखो कौन से नंबर में लिख रहा है आपको, 8, 15, 14, आपको इनमें से देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा. देखो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है 31, वो कोलकाता का है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कोलकाता जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है, हैज मैक्सिमम टेम्परेचर. और अगर हमें बताना हो कि विच सिटी वॉज कोल्डेस्ट, सबसे ठंडी सिटी कौन सी थी, तो मिनिमम में देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो देखो यहाँ पे 1 है सबसे छोटा और वो श्रीनगर का है, तो ऐसे हम बता सकते हैं श्रीनगर वॉज द कोल्डेस्ट सिटी. और इसके बाद अगर हमें पूछा जाए व्हाट वॉज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का अगर हमें बताना हो कि दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो वो देखो 9 है, यहाँ से हम बता सकते हैं. देन इन विच सिटी वॉज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइएस्ट, इनमें से कौन सी ऐसी सिटीज हैं जिनका डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा है, मतलब अगर हम उनका मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर को माइनस कर दें, तो वो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. मतलब उस दिन सबसे ठंडा
और सबसे गर्म टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा, जैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 7 डिग्रीज का आया है। ओके अगर इन दोनों का देखें तो वो भी 15-8 जो कि 7 के इक्वल होगा तो वो भी 7 डिग्रीज आया। इनका अगर टेम्परेचर देखें तो ये आएगा 14-9 जो कि हो जाएगा 5 डिग्री, तो 5 डिग्री का ही टेम्परेचर का डिफरेंस है। और इनका देखें तो ये कितना आएगा 12-4 जो हो गया 8 डिग्री, इसके बाद 10-4 हो गया 14-10 हो गया 4, एंड 29 में से अगर 18 माइनस कर दें तो देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 10-11 डिग्री, 11 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे है। इसके बाद 18 और इनका देखेंगे 13 डिग्री का हो जाएगा, और अगर इनका देखें तो ये 9 डिग्री का डिफरेंस है, और अगर इनका देखें तो ये 8 डिग्री का डिफरेंस है। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा तो ये 13 है जो कोलकाता का है, तो इसलिए हम बताएंगे कि कोलकाता हैज मैक्सिमम और हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विच वॉज 31 डिग्री सेल्सियस माइनस 80 डिग्री सेल्सियस एंड विच इज 13 डिग्री सेल्सियस। ओके ऐसे हम देखो इन सारे क्वेश्चंस को बता सकते हैं। ये तो था हमने जब डेटा को इंटरप्रिएट कर दिया था एक टेबल की फॉर्म में, अब हम इस टेबल की जगह पे कुछ सिंबल्स भी ले सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं, और उसे हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ। तो हम पढ़ेंगे जब हम डेटा को पिक्चर्स की हेल्प में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ये कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास की जिन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में हमें इन्फॉर्म किया है। यहाँ पे देखिए डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड योगा कुछ 4 एक्टिविटीज हैं, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। यहाँ पे जब भी हम पिक्टोग्राफ की बात करेंगे बेटा, हमें पता होना चाहिए कि एक जो सिंबल है या फिर एक पिक्चर है वो कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो एक पिक्चर का मतलब 3 स्टूडेंट है, मतलब ये 3 हुए, ये भी 3 हुए, ये भी 3 हुए, ये भी 3 हुए, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 12। बट आप लोग याद रखना कि जब भी हम सेम नंबर को ऐड करते हैं तो उसे ऐड करने की जगह पे हम उस नंबर को नंबर ऑफ टाइम से इंटू करवा सकते हैं। यहाँ पे 3 को 1 2 3 4 5, 5 से इंटू अगर करवा देंगे तब भी हमारा सेम आंसर आएगा जो इसको 5 बार प्लस करने पे आएगा। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग अगेन एंड अगेन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ टाइम्स। ओके तो नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमें इन में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर लर्निंग स्पोर्ट्स, तो कितने स्टूडेंट जो हैं वो स्पोर्ट्स सीख रहे हैं। तो उसके लिए देखो कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, 3 3 3 3 एंड 3, तो इनको प्लस करना तो हमने छोड़ दिया है। अब हम इनको इंटू करेंगे, 3 को किससे इंटू करेंगे 5 से, क्योंकि ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो 3 5 15, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया 15 स्टूडेंट्स। ऐसे हम इनके क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे। ओके नाउ विच को करिकुलर एक्टिविटीज इज मोस्ट पॉपुलर, इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, जिसमें ज्यादा बच्चे हैं वो पॉपुलर है, तो सबसे ज्यादा बच्चे किसमें थे, स्पोर्ट्स में, तो हम आंसर देंगे स्पोर्ट्स। ओके देन आफ्टर दैट विच कोकुलर एक्टिविटी इज लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम। ओके कम पॉपुलर कौन सी है जिसमें कम बच्चे होंगे, देखो ये कौन सी है, योगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा योगा इज लीस्ट पॉपुलर। देन हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन ऑल, तो टोटल कितने स्टूडेंट है ये भी हम बता सकते हैं, तो उसके लिए हम काउंट कर लेते हैं इनको। देखो 4 यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं एक बार इनको साफ कर लेता हूँ और इसके बाद हम इनको आंसर कर देते हैं। हम इन सभी को प्लस करेंगे, सब कुछ यहाँ पे हमारे पास कितने पिक्चर्स हैं, 4 यहाँ पे, 3 और यहाँ पे, 5 और यहाँ पे 2, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 3 एंड 2 5, 5 एंड 5 10, 10 एंड 4 14, देखो टोटल 14 पिक्चर्स हैं, और 14 को अगर 3 से इंटू करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 42, तो मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हुए हमारे 42 स्टूडेंट्स हो गए। तो ऐसे हम इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे।
ओके, ये था पिक्टोग्राफ, बहुत ही आसान है, ये इनके आंसर्स हैं।